जय हिंद दोस्तों, सैनिक टॉप 10 न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी खबर से, इंक्रीमेंट 1 जुड़ेगा सभी पेंशनर्स को जो जून में रिटायर हुए हैं, 30 जून को रिटायर हुए हैं। और बता दें जो दिसंबर 30 को रिटायर हुए हैं उनका भी एक इंक्रीमेंट जुड़ेगा, यानी कि 3% की वृद्धि होगी पेंशन में। तो ये लेटर जारी हुआ है, ये भारत सरकार कार्मिक लोक सेवा आयोग पेंशन विभाग की तरफ से। और इसमें बताया गया है कि जो 1 30 जून को रिटायर होते हैं, यानी कि जुलाई में रिटायर होना, 1 जुलाई से अगर रिटायर होते हैं तो उनको एक इंक्रीमेंट जुड़ जाता है, लेकिन जो 30 जून को रिटायर होते हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और इसके लिए परामर्श जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसको भी लागू किया जाए, तो इसके लिए परामर्श के लिए अब ये संबंधित विभाग, इस पर बड़ी अपडेट है कि संबंधित विभाग और नोडल अधिकारी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट है कि सीएसडी लिक्वर कोटा और ग्रोसरी कोटा में 1 महीने के बाद डबल होने वाला है, यानी कि आपको लिक्वर और ग्रोसरी में डबल फायदा होगा। आप खरीदने जाएंगे तो अपना 1 महीने का एडवांस लिक्वर हो चाहे ग्रोसरी हो खरीद सकते हैं, तो बड़ी अपडेट है ये भी। दूसरी बड़ी अपडेट है, सीआरपीएफ जवान ने अपने 2 साथी जवानों पर चलाई अंधाधुंध गोलियां। बता दें कि ये मामला है राजस्थान पोरबंदर के, गुजरात पोरबंदर के निकट एक गांव में। शनिवार शाम किसी बात को लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान ने अपने साथियों पर गोलीबारी कर दी। अभी इस मामले की पूरी जानकारी आना बाकी है, लेकिन बता दें कि उसमें जवानों की मृत्यु हो गई है। बड़ी अपडेट है, फंड की कमी की वजह से ओआरओपी रिवीजन देने में असमर्थ है मोदी सरकार। तो ये बड़ी अपडेट आई है, जनरल सतवीर साहब ने कहा है कि ये कोई वजह नहीं मानी जाएगी कि फंड की कमी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 महीने की एक्सटेंशन के लिए गए थे तो उसमें कहा था कि सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी बाकी है, ओआरओपी बिल्कुल तैयार है। अब ये बहाना नहीं चलेगा और इन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट आप कोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ जो 2015 में जैसे ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वैसा ही आंदोलन, बड़ा आंदोलन करेंगे इस पर। 2024 में चुनाव है, उससे पहले ये आंदोलन करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये 2024 चुनाव से पहले पहले ही दे सकते हैं, यानी कि ये दिसंबर तक नहीं दे पाएंगे वन रैंक वन पेंशन। दूसरी बड़ी अपडेट है, गवर्नमेंट की रोजगार से संबंधित, एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू वैकेंसियां निकल चुकी हैं। 45,284 पोस्टों पर वैकेंसी है। इसका मैंने वीडियो बना दिया है, डिटेल वीडियो देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। सीआईएसएफ में 5,900 यानी कि 6,000 तक वैकेंसी है, और बीएसएफ में 20,000 वैकेंसी है, सीआरपीएफ में वैकेंसी 11,000 है, एसएसबी में है, आईटीबीपी में है, आसाम राइफल में है, एसएसएफ में है। तो काफी वैकेंसियां निकाली गई हैं, 45,000 वैकेंसियां हैं, और सिर्फ 30 तारीख तक इसको अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि 30 नवंबर। इसमें पहले 24,000 वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन अभी 20,000 और ऐड कर दी गई हैं। ये नया जानकारी है, बड़ी अपडेट है, तो जरूर अप्लाई करें। जिसने नहीं अप्लाई किया है, इसका मैंने अप्लाई का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद बड़ी अपडेट है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली थी ड्राइवर की, स्टेनोग्राफर की, ग्रुप डी की और ग्रुप सी की, इसके लिए एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम होंगे 10 दिसंबर, 11 दिसंबर और 17-18 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर में ये एग्जाम होंगे। इसका एडमिट कार्ड जारी करने के लिए एक अलग से नोटिस जारी हो जाएगा, लेकिन एग्जाम डेट आ चुकी है। इसमें काफी वैकेंसियां थी, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए जो वैकेंसी थी 819 प्लस 202, जो अप्रेंटिस के लिए थी 202, और बाकी परमानेंट जॉब के लिए 819 वैकेंसियां थी। इसके बाद ड्राइवर के लिए 26 वैकेंसियां थी, स्टेनोग्राफर के लिए 1186 वैकेंसियां थी, और इसमें ग्रुप डी के लिए 1699 वैकेंसियां थी, जिसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली प्यून और इसके बाद चौकीदार, स्वीपर की वैकेंसियां थी। इसमें 10th पास, 8th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 6th पास भी अप्लाई कर सकते थे। तो जो अप्लाई जिन्होंने किया है वो एडमिट कार्ड टाइम से डाउनलोड कर लें,
क्योंकि इसमें बड़ी वैकेंसी है और इसमें 5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग कोटा दिया गया है, तो भूतपूर्व सैनिक जरूर इसमें अपना फॉर्म जिसने भरा था जरूर पेपर दें, इसमें बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है। तीसरी चौथी बड़ी अपडेट है रोजगार से, एमपी में सहकारी बैंक में बंपर भर्तियां निकली हुई हैं, इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसियां हैं। इसमें जो वैकेंसी है क्लर्क के लिए 896 पोस्ट है और 1358 पोस्ट है सोसाइटी के मैनेजर के तौर पर, तो काफी वैकेंसियां निकली हुई है। मध्य प्रदेश का ये कल वीडियो बन जाएगा, कल इसकी पूरी जानकारी डिटेल नोटिफिकेशन के साथ आपको मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।